हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी को पढ़ेंगे। ये एजुकेशन, साइकोलॉजी, बीएड, एमएड सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी इसको हम कहते हैं। ये इवेल्युएशन का टेक्निक है, पर्सनालिटी को इवेल्युएट करते हैं। तो इसे प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी कहा गया है। इसे हम एक एक करके देखेंगे। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है? ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है, जो कि इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एम्बिगुअस स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करता है। एम्बिगुअस स्टिमुली क्या होता है? एम्बिगुअस स्टिमुली हम उसको कहते हैं, वैसा स्टिमुलस होता है, अस्पष्ट उत्तेजना जिसको हम कहते हैं, जो कि एक से अधिक तरीकों से जिसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे, एक से अधिक तरीकों से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। कुछ ऐसा फिगर होता है, कुछ रिवर्सिबल फिगर होता है जिसको हम आगे से पीछे से या दाएं बाएं करके बदल सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक फिगर आता है, यंग गर्ल, ओल्ड वुमेन। यह इमेज ऐसा होगा जो आप हमेशा सबने देखा होगा कि एक तरफ से देखने पर वो यंग गर्ल लगती है और दूसरे तरफ से देखने से ओल्ड वुमेन का इमेज आता है। तो इसे हम कहते हैं एम्बिगुअस स्टिमुली, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग इस तरह से किया होता है कि कभी वो इमेज एक यंग लड़की का लगता है, कभी वो ओल्ड वुमेन का लगता है। तो ये क्या प्रेजुम्बली रिवीलिंग हिडन इमोशंस। तो एक पर्सन जो है या तो इस तरह के स्टिमुली जो अस्पष्ट उत्तेजना का उदाहरण को रिस्पॉन्ड करता है, या फिर उसके जो हिडन इमोशंस है, जो छिपे हुए संवेग हैं, वो सामने आते हैं, या फिर उसके अंदर जो कम संघर्ष चल रहा है, जो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्शन, उसका प्रोजेक्शन होता है। पर्सनैलिटी प्रोजेक्टिव टेस्ट जब किसी व्यक्ति का लिया जाता है तो उसके अंदर के जो जो भावनाएं होती हैं, जो अस्पष्ट उत्तेजना होती है, जो उसके छिपे हुए संवेग होते हैं, या जो आंतरिक संघर्ष होता है, वो दिखता है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट का जो है अपना साइको एनालिटिक जो साइकोलॉजी फ्रायड का दिया हुआ है, उससे ये इसका ओरिजिन है, ये वहाँ से शुरू हुआ है। जिसमें क्या कहा गया है, फ्रायड ने माना है कि मनुष्य का, मानव का जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एटीट्यूड्स है, जो जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब हुआ सजग और अनकॉन्शियस जो चेतन और अवचेतन, ये एटीट्यूड के जो मनुष्यों में पाया जाता है, और जो मोटिवेशन इन साइकोलॉजी एटीट्यूड एंड मोटिवेशंस जो होते हैं, जो कि कॉन्शियस अवेयरनेस से छिपे होते हैं, हिडन फ्रॉम, मतलब हमें पता नहीं होता, और हमारी भावनाएं हमारे अनकॉन्शियस में जो होती हैं, उसे हम ये फ्रायड के सिद्धांत से हम उन्हें हमें इसकी जानकारी दी है, जिसको हम अभी समझते हैं। फ्रायड के सिद्धांत को समझने से हमें कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस के बारे में पता चलता है। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करता है जिसमें की सेंसेशंस आते हैं, सचेत जिसको हम कहते हैं। तो सचेत माइंड में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें सेंसेशंस, परसेप्शंस, यादें, भावनाएं, फीलिंग, फैंटेसीज, जो हमारे करंट अवेयरनेस में होता है, ठीक है। तो ये हम जब जागरूक अवस्था में होते हैं, जब हम अभिज्ञ होते हैं, भिज्ञ मतलब हमें पता होता है, तब हमें अवेयर जब हम होते हैं, तब ये सारी चीज़ों जो हमारे अंदर होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो हमारी परिकल्पनाएं होती हैं, यादें होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो ये कॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती हैं सचेत अवस्था से। तो अब सचेत अवस्था से ही जुड़ा हुआ सब कॉन्शियस माइंड होता है, जिसे हम सब कॉन्शियस या
प्री कॉन्शियस कहते हैं इसे अचेतन हिंदी में। तो कॉन्शियस को हमने क्या कहा, कॉन्शियस माइंड जो है वो सचेत अवस्था है, जागरूक अवस्था है। जागरूक अवस्था है और ये अचेतन, इसको हम कहते हैं अचेतन। अचेतन अचेतन अवस्था में, तो ये जो है अचेतन अवस्था जो है सब कॉन्शियस, अवचेतन कम चेतन, जो कि मतलब हमारे ऐसी अवस्था है सब कॉन्शियस जो कि थिंग्स जिनके बारे में हम अभी सोच नहीं रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, बट हम उनको जब अगर सोचना चाहें तो उसे सोचकर तुरंत सचेता अवस्था में ला सकते हैं, कॉन्शियस अवेयरनेस में ला सकते हैं। तो वैसी चीजें जो कि सचेत अवस्था में, फ्राइड का ये सिद्धांत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो फ्राइड का मानना है कि जो चीजें हम कॉन्शियस माइंड में, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है जो सचेत अवस्था है, वो हमें अपने अवेयरनेस से जो छिपा कर रखना चाहता है, या जो चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है, जो हमें सचेता अवस्था में नहीं पता है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि जिसका हमें पता नहीं है, सेंसलेस, जिसको बेहोश अवस्था कहते हैं। तो जब हम इन फीलिंग, ये अनकॉन्शियस माइंड में जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो भी चीज़ें हमारे हिडन हैं, जो रिप्रेस्ड हैं, जो दबी हुई इच्छाएं हैं, वो सारी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। तो हम लोगों को ये फीलिंग, ये सोच या ये भावनाएं जो होती हैं हमारे अनकॉन्शियस अवस्था में, उनसे हम अनअवेयर होते हैं, वो हमें पता नहीं होती हैं। फ्राइड का कहना है कि अनकॉन्शियस माइंड का भी हमारे व्यवहार में उसका प्रभाव होता है। तो कॉन्शियस माइंड में तो हम सारी चीज़ों को जान रहे हैं, सेंसेशंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मेमोरीज, फीलिंग्स, फैंटेसीज सारे हमारे करेंट अवेयरनेस में हैं, जो हम सजग अवस्था में, और इनसे जो चीज़ें हैं जिन्हें हम प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में है, वैसी चीज़ें हैं जिनको हम एट प्रेजेंट मोमेंट में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जब भी चाहें हम उन्हें अपने करेंट अवेयरनेस में ला सकते हैं, कॉन्शियस अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं वो हमें पता नहीं होती हैं, वो फीलिंग, थॉट्स, अर्जेस, जिनसे हम वैसे इमोशंस होते हैं जिनका हमें बिल्कुल पता नहीं होता है। फ्राइड का कहना है कि अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती है वो भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो मतलब इन तीनों अवस्था का जिक्र इसलिए किया गया है कि इन अवस्थाओं का प्रभाव हमारे पर्सनालिटी को शेप करने में पड़ता है। तो जो चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में हैं वो कॉन्शियस माइंड में किस तरह से अवेलेबल होती हैं, किस तरह से उपलब्ध होती हैं, तो वो छिपे हुए रूप में, डिसगाइज्ड फॉर्म में होती हैं। जैसे कि अनकॉन्शियस का हमारा जो भी अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें हैं वो हमारे सपने में आ सकते हैं, हम ड्रीम के फॉर्म में हमें उसका वो आ सकती है हमारे सामने। तो फ्राइड का मानना था कि जो ड्रीम को एनालाइज अगर किया जाए, सपनों को एनालाइज किया जाए, तो वो अनकॉन्शियस माइंड का इन्फ्लुएंस को कॉन्शियस माइंड के एक्शन में जो हो रहा है उसका प्रभाव को आंका जा सकता है, जांचा जा सकता है। तो ये कैसे संभव है, अनकॉन्शियस माइंड का प्रभाव हमारे कॉन्शियस माइंड पर पड़ रहा है, इसको हम कैसे आंक सकते हैं। तो फ्राइड का कहना है वो हमारे पर्सनालिटी को कैसे प्रभावित कर रहा है, कि अगर हम ड्रीम का एनालिसिस करें तो हम इसको जान सकते हैं। तो फ्राइड के साइको एनालिटिक थ्योरी का पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ता है। फ्राइड ने एक आइसबर्ग का मेटाफर यूज किया था, आइसबर्ग का मेटाफर यूज करके उन्होंने बताया था कि दो मेजर एस्पेक्ट होता है ह्यूमन पर्सनालिटी का। उन्होंने एक आइसबर्ग का मेटाफर ऐसे करके, आइसबर्ग है ये लेवल है वाटर का और फिर आइसबर्ग नीचे भी है, तो ये जो है ना, तो ये जो टिप है, ये जो आइसबर्ग का है वो क्या है कि पानी के ऊपर ये वाटर का लेवल है, ठीक है, बस इमेजिनरी बदला, ये वाटर लेवल है। तो इससे ऊपर जो है ना ये कॉन्शियस माइंड है हमारा, ये कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, और ये सब यहाँ पर अगर हम मान के चले तो ये प्री कॉन्शियस है और ये अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब
आइसबर्ग का टिप है, जो ये टिप है एक्सटेंड करता है वाटर के ऊपर, जो भी आइसबर्ग है ये आइसबर्ग है। ये क्या बता रहा है? ये हमारा कॉन्शियस माइंड को बता रहा है, सजग सचेतावस्था को बता रहा है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम टॉप पे इमेज में जाते हैं, कॉन्शियस माइंड क्या है, आइस का, आइसबर्ग का ऊपर का हिस्सा है, और पानी के नीचे जो है ये भी जो लार्जर बर्ग है, जो ये हमारा आइसबर्ग जो है जो पानी के नीचे है, ये अनकॉन्शियस माइंड है हमारा, ये अनकॉन्शियस माइंड है। तो ये जब हम कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस सचेता अवस्था में हैं तो हमें सब चीज़ पता है, और जो सब प्री कॉन्शियस में है, अचेतन में जो है, उसे हम जल्दी से सचेता अवस्था में ला सकते हैं अगर थोड़ा थॉट दें तो। तो फ्रायड का कहना है कि दे वेर फार लेस, ये जो दोनों हैं ये कम वाइटल है देन अनकॉन्शियस। तो जो हिडन है, जो कॉन्शियस अवेयरनेस से, ये अवेयरनेस का हमारा लेवल है, इससे जो हिडन है, ये नीचे का हिस्सा, इसको हम दूसरे कलर से दिखाएं, ये जो हिस्सा है, जो हिडन हिस्सा है, ये जो है ना, ये फ्रायड का कहना है कि ये हमारे पर्सनालिटी और बिहेवियर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसका अनकॉन्शियस माइंड का बहुत ज्यादा हमारे पर्सनालिटी और बिहेवियर को ये प्रभावित करता है। तो हम फ्रायड के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पर्सनालिटी का एनालिसिस करेंगे। अभी पर्सनालिटी के टेस्ट्स को प्रोजेक्टिव टेक्निक से हम पर्सनालिटी का असेसमेंट कैसे किया जाता है ये जानेंगे। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि दो सब मान लीजिए कि हम अभी प्रेजेंटली नहीं सोच रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम ये करना कॉन्शियस अवेयरनेस में, हम ये क्योंकि ये हमारे सब कॉन्शियस में है कि कैसे लॉन्ग डिवीजन करना है। एट प्रेजेंट हमको नहीं याद है, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब चाहें तो हम वो याद करके फिर उसको हम कर सकते हैं। जब हमें मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो मेरे सब कॉन्शियस माइंड से लॉन्ग डिवीजन को करने का तरीका आ जाएगा। तो प्री कॉन्शियस माइंड क्या है? एक ऑर्डिनरी मेमोरी का एक पार्ट है। ये मेमोरीज क्या है? ये कॉन्शियस नहीं है, बट हम उनको रिट्रीव कर सकते हैं, उनको याद करके वापस ला सकते हैं, उनको थोड़ा सा थॉट कर सोचने से हमें याद आ जाता है। तो ये प्री कॉन्शियस हुआ, और अनकॉन्शियस जो है उसका प्रभाव हमारे पर्सनालिटी पर ड्रीम के थ्रू पड़ता है, और उसका कितना प्रभाव है इसे जानने के लिए हम ड्रीम का एनालिसिस करें तो हमें पता चल जाएगा, ये फ्रायड का मानना है। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है? प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है, जिसे हम प्रक्षेपी तकनीक भी कहते हैं, प्रक्षेपी प्रक्षेपी टेक्निक को, प्रोजेक्टिव टेक्निक को हम हिंदी में प्रक्षेपी टेक्निक भी कहते हैं, प्रक्षेपी तकनीक भी कहा जाता है इसे हिंदी में। तो ये क्या है? ये अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, इनडायरेक्ट है फॉर्म है क्वेश्चनिंग का, जो कि रेस्पॉन्डेंट को, रेस्पॉन्डेंट क्या है? जिसके पर्सनैलिटी का हम असेसमेंट करने जा रहे हैं, तो जिसका टेस्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पर हम ये टेस्ट करेंगे, जिस व्यक्ति को पर टेस्ट किया जाता है या टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, उसे हम रेस्पॉन्डेंट या सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट या रेस्पॉन्डेंट को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, जिस पर हम ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग हम करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है मेरा? अनस्ट्रक्चर्ड और इनडायरेक्ट होता है, जो कि जिस, जब हम सब्जेक्ट या रेस्पॉन्डेंट को उस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर जो भी मोटिवेशंस होता है, अंतःप्रेरणा जो होती है, जो उसका विश्वास, जो एटीट्यूड उस इशू के रिगार्डिंग, जो भी उसका व्यूज होता है, वो निकल कर बाहर आता है, उसका प्रक्षेपण होता है, उस वो प्रोजेक्ट करता है अपने व्यूज को। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है उसमें रेस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर, जिनका टेस्ट लिया जाता है, उनको कहा जाता है। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्टिव टेक्निक में कहा गया कि आप दूसरे के बिहेवियर को इंटरप्रेट करें, दूसरा क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। तो जब वो दूसरे का बिहेवियर को इंटरप्रेट करता है, बतलाता है, तो रेस्पॉन्डेंट का क्या होता है कि उसका अपना भी मोटिवेशन, बिलीफ, एटीट्यूड सब पता चलता है। जब आप किसी के बारे में बताते हैं
तो आपके व्यवहार का भी, आपके पर्सनैलिटी का, आपकी भावनाओं का भी पता चलता है, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे कि कोई किसी के बारे में बतलाता है, जब किसी की प्रति प्रभु उसका पॉजिटिव फीलिंग होता है तो वो जैसे माँ अपने बच्चे के बारे में बताती है तो उसका बताने का तरीका, तो मतलब क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक से जब आप अपने आप पर लागू किया गया या आपसे किसी दूसरे के बारे में पूछा गया तो उससे आपकी मोटिवेशंस, आपके बिलीफ्स और आपके एटीट्यूड्स का भी पता चलता है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है, एक असेसमेंट प्रोसीजर है, इसमें हम किसी का आकलन करते हैं, क्या करते हैं, जिसमें बहुत सारी एम्बिगुअस स्टिमुली डिजाइन कर किया जाता है, बहुत सारे ऐसे स्टिमुली लाए जाते हैं, अस्पष्ट उत्तेजना जिसको हम कहते हैं, उस ऐसे उत्तेजना लाए जाते हैं और वो बच्चों को या किसी का भी जिसका असेसमेंट किया जा रहा है उस ऐसे अस्पष्ट उत्तेजना उदाहरण तैयार किए जाते हैं, स्टिमुली डिजाइन किया जाता है। जैसा अभी हमने बताया कि एक इमेज बनाया गया जिसमें कि वो रिवर्सिबल भी होता है, इधर से देखो तो यंग लेडी, उधर से देखो तो ओल्ड लेडी, तो इस तरह का स्टिमुली लाया जाता है ताकि उनसे क्या निकाला जाए, एलिसिट मतलब निकलवाना है, जिस असेसमेंट कर रहे हैं जिस व्यक्ति का उससे क्या निकलवाना, यूनिक अनूठा कुछ समय, कभी 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 विलक्षण अनूठा कभी सनक भरा रिस्पॉन्स निकलवाना है, जो कि ऐसा रिस्पॉन्स निकले वैसे स्टिमुली उनको प्रेजेंट किया जाता है, चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे उनके अंदर का भाव निकले, अंदर उनकी पर्सनालिटी का पता चले, उनके अधिगम का कॉग्निटिव, उनके ज्ञान का स्टाइल पता चले, इसके अलावा उनके व्यक्तित्व के विभिन्न साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का पता चले, किसका, रिस्पोंडेंट का, जिसका असेसमेंट किया जा रहा है, उसे ऐसे ऐसे स्टिमुली दिखाए जाते हैं जिससे कि उसके व्यक्तित्व का विलक्षण रिस्पॉन्स आए, अनोखा अनूठा उत्तर से उसके व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम का पता चले। तो ये जो है इस तरह का प्रोसीजर को एग्जाम्पल्स में बहुत सारे हैं जिससे प्रोजेक्टिव टेक्निक कहा गया है और जिससे किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाता है। उसमें रोर्शा का इंक ब्लॉट टेस्ट है, फिर थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जिसे हम कहते हैं विषयगत धारणा परीक्षण, इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड एसोसिएशन, ड्राइंग टेस्ट, बहुत तरह के प्रोजेक्टिव टेक्निक का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम को पता किया जाता है। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है वो रिसर्चरों के जो भी रिसर्च करने वाले हैं उनमें बहुत सारे विचार विमर्श को जन्म दिया और उनका ओपिनियन जो है कि पर्सनैलिटी, उनका कहना है कि असेसमेंट इनकम्प्लीट होगा जब तक कि आंकड़ों का सहारा नहीं लिया जाए, क्योंकि जब तक क्या है कि अगर आंकड़ा नहीं लिया जाएगा, आंकड़े का आकलन नहीं किया जाएगा तो इसमें क्या होगा कि इस टेस्ट में, इस टेक्निक में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की कमी हो जाएगी, विश्वसनीयता और वैधता की कमी हो जाएगी। रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी किसी टेस्ट को रिलायबल तब माना जाता है जब वो टेस्ट को किसी भी व्यक्ति पर किया जाए, दोहराया जाए। सबसे किसी की पर्सनालिटी को असेसमेंट करने के लिए हमने टेस्ट किया और उसको दोबारा फिर उसका टेस्ट किया तो उसका पर्सनालिटी का पहली बार में अलग एस्पेक्ट आया, दूसरी बार में अलग, तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं माना जाएगा। तो इसलिए उन रिसर्चर्स का कहना है कि इसमें आंकड़ा नहीं होने से ये टेस्ट इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं एक एक करके टेस्ट में। तो सबसे पहले प्रोजेक्टिव टेस्ट में आता है रोर्शा का इंक ब्लॉट टेस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ये प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो कि 1921 में हरमन रोर्शा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 10
कार्ड्स होते हैं, दस इंक ब्लॉट प्रिंटेड, दस कार्ड्स में इंक ब्लॉट प्रिंटेड होता है। इंक ब्लॉट क्या हुआ यहाँ पर, स्याही का धब्बा होता है दस कार्ड्स में, ठीक है। और जिसमें पांच कार्ड्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, फाइव ब्लैक एंड व्हाइट एंड फाइव कलर्ड कार्ड्स होते हैं। अब इसमें अमेरिकन सब्जेक्ट को सीरीज में 10 इरेगुलर तो इंक ब्लॉट जो है, सो इंक ब्लॉट का धब्बा बना होता है, स्याही का धब्बा दिखाया जाता है और उनको उनसे पूछा जाता है कि उन्हें क्या दिख रहा है। स्याही के धब्बे से बहुत तरह की आकृति बनती है। आप इसको एक समझने के लिए हम बादल में भी देखते हैं कि बहुत सारी आकृति बनती है। आप हर व्यक्ति को बादल में अलग अलग आकृति, किसी को घोड़ा दिखता है तो किसी को कोई अलग जानवर दिखता है, किसी को कुछ और आकृति दिखती है। तो उसी तरह से इंक ब्लॉट जो है, स्याही का धब्बा, सपोज इस तरह का स्याही का धब्बा दिखाया गया, ये एक कार्ड में इस तरह का स्याही का धब्बा दिखाया गया। मैं बस ऐसा होता नहीं है, मतलब मैं इमेजिन ऐसा ही समझाने के लिए, तो ये इंक ब्लॉट आपका दिखाया गया, ये स्याही का धब्बा है अंदर। अब किसी को भी दिखाया जाएगा तो कोई इसके अंदर का हिस्सा को बताएगा, किसी को ये एरिया दिखेगा, किसी को ये एरिया। जिस व्यक्ति को जो दिखाया जाए और जिस जो व्यक्ति जिस तरह से इसको एक्सप्लेन करेगा तो उससे उसके पर्सनालिटी के एस्पेक्ट को पता किया जाता है। तो स्याही का धब्बा में कोई स्याही का धब्बा वाला हिस्सा को बता सकता है, कोई धब्बा के बाहर धब्बा का हिस्सा है। ब्लैक एंड व्हाइट में स्याही का धब्बा ब्लैक है तो कोई ब्लैक एरिया को ज़्यादा स्ट्रेस देगा, बताएगा उसके अंदर उसको कोई आकृति दिख रही है, या कोई व्हाइट वाले पोर्शन पर ज़्यादा बोलेगा, या फिर फाइव जो कलर कार्ड्स हैं तो कलर वाले पोर्शन पर ज़्यादा स्ट्रेस देगा, या फिर कलर बिना कलर वाला, या फिर तो हर को देख हर व्यक्ति अपने अपने नज़रिए से उसको देखेगा और असेस करेगा या बताएगा। तो उसके पर्सनालिटी का असेसमेंट उसके जवाब के हिसाब से होगा। तो इसको हम थोड़ा आगे और देखते हैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट का रिस्पांस किस किस वे में एनालाइज किया जाता है, तो एनालाइज करने का सब्जेक्ट का तरीका होता है कि क्या कहा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यहाँ पर रेस्पॉन्डेंट या सब्जेक्ट जो हुआ उसने क्या कहा। पहला तो यह हुआ कि क्या कहा, वो धब्बा को देखकर उसका क्या रिस्पॉन्स हुआ। फिर रिस्पॉन्स करने में उसने कितना टाइम लिया, स्याही को का धब्बा उसको हट करके एक एक करके दस कार्ड दिखाए गए तो वो फिर जवाब देने में कितना टाइम लगाया, ये टाइम भी टाइम टेकन भी उसके पर्सनैलिटी के आस्पेक्ट को बताता है। और वॉट वॉज सेड, What was said मतलब उसका स्टेटमेंट क्या हुआ, उसको उसने उसको देखकर क्या बोला। फिर which aspect of the drawing was focused on, कौन सा aspect, black वाला हिस्सा या white वाला हिस्सा या colored हिस्सा, कौन सा aspect उसने focus किया। How single response compared to the other responses of same drawing, अब मान लो 10 card में एक response उसका अलग है और फिर सेम ड्राइंग के लिए अदर रिस्पॉन्सेज जो आए, अलग अलग व्यक्ति का एक कार्ड, पहला कार्ड फर्स्ट कार्ड का रिस्पॉन्स, फर्स्ट कार्ड के लिए ए का रिस्पॉन्स क्या हुआ, बी का रिस्पॉन्स क्या हुआ, सी का रिस्पॉन्स, तो मतलब सेम ड्राइंग में लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्स क्या हुए। तो इस तरह से इन सब का एनालाइज किया जाएगा, तब उसके पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या क्वालिटीज उसने परसीव किया, जिस सब्जेक्ट को कार्ड दिखाए गए जो रिस्पॉन्डेंट है तो उसने क्या क्या क्वालिटी परसीव किया, कलर या फॉर्म या मूवमेंट। अब कार्ड वो धब्बा में उसको कोई मूवमेंट दिख रहा है या फिर कोई कलर पर उसने ज़्यादा ध्यान दिया या फॉर्म पर जो शेप है। उसके बाद काइंड ऑफ थिंग्स रिपोर्टेड, उसने क्या रिपोर्ट किया, उसने क्या बताया, एनाटॉमिकल पार्ट्स, उसे क्या उस धब्बे में बॉडी का पार्ट दिख रहा है, शरीर का एनाटॉमी दिख रहा है, या एनिमल्स दिख रहा है, या प्लांट्स दिख रहा है, या पीपल दिख रहा है, और या अदर इंसिडेंटल बिहेवियर ड्यूरिंग द टेस्ट सेशन। तो उसमें क्या क्या चीज़, हर व्यक्ति को अलग चीज़ दिख सकता है, किसी को वो किसी का हाथ दिखेगा, किसी का सिर दिखेगा एनाटॉमिकल पार्ट, या किसी को कोई एनिमल दिख रहा है, या प्लांट किसी को दिख रहा है, मतलब
या लोग दिख रहे, तो वो स्याही का धब्बा हर व्यक्ति को अलग अलग शेप में दिख रहा है। तो जो व्यक्ति जो रिस्पॉन्ड करेगा, जो बोलेगा, उस हिसाब से उसके पर्सनैलिटी का असेसमेंट होगा। तो फ्रॉम द वेरियस रिस्पॉन्सेज ऑफ द टेस्टर, जो इन्फर सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो टेस्ट ले रहा है वो उस रिस्पॉन्स जो अलग अलग आया उससे उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को असेस करेगा, बताएगा। तो पर्पस ऑफ स्कोरिंग द रिस्पॉन्सेज आर मार्क्ड एज, तब रिस्पॉन्स को मार्क करने के लिए वो क्या क्या जो टेस्ट करने गया, सपोज आप टेस्ट करने गए हैं तो आप क्या किस किस आधार पे रिस्पॉन्स को स्कोर करेंगे, तो पहला लोकेशन, दूसरा कॉन्टेंट्स, तीसरा ओरिजिनलिटी और चौथा डिटरमिनेंट्स के आधार पर आप स्कोरिंग करेंगे। तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट में स्याही के धब्बे के 10 कार्ड दिखाने के बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स को हम चार हिस्सों में बांट कर जो टेस्ट लेने वाला गया है वो उसको उसका स्कोर करेगा। तो लोकेशन से क्या मतलब हुआ कि लोकेशन रिस्पॉन्स जो आ रहा है तो रिस्पॉन्डेंट क्या कर रहे हैं कि किस पार्ट ऑफ इंक ब्लॉट को वो बता रहे हैं। सब्जेक्ट हर रिस्पॉन्स में ए ने ब्लैक स्याही के धब्बे का ब्लैक वाले हिस्से को बोला, बी ने वाइट वाले हिस्से को बोला, इसने ब्लैक वाले को बोला, इसने वाइट वाले को बोला, सी ने कलर्ड वाले कार्ड के कलर्ड हिस्से को बोला, या फिर वो एक पोर्शन को, एक कॉर्नर को बोला। तो मतलब लोकेशन, किस लोकेशन पर हर रिस्पॉन्डेंट ने स्ट्रेस किया, कोई बीच के हिस्से पर रिस्पॉन्ड किया, कोई किनारे वाले हिस्से पर, कोई ब्लैक वाले पोर्शन पर, कोई रेड वाले पोर्शन पर, तो ये सारा चीज को वो नोट करेगा जो असेस करने गया है। तो जो टेस्ट ले रहा है, जो टेस्टर है, वो इस चीज को नोट करेगा, स्कोर करेगा। उसके बाद अगला है उसको क्या करना है स्कोर करने में, दूसरा वो कॉन्टेंट, कॉन्टेंट लोकेशन हो गया, लोकेशन में अभी ये चल रहे हैं, अभी कंटेंट नहीं आया। तो चलिए लोकेशन में फिर क्या होगा कि सब्जेक्ट रिस्पॉन्स, जो सब्जेक्ट रिस्पॉन्सेज जो आए सब्जेक्ट में, तो जो पूरे हो ब्लॉट को, पूरा इंक ब्लॉट जो बना हुआ, सपोज इस तरह का इंक ब्लॉट बना हुआ है कार्ड में, तो जिसने पूरा ब्लॉट, ये पूरा ब्लॉट को जिसने रिस्पॉन्स दिया तो उसको लिखेगा, उसका स्कोर क्या होगा, W। जिसने लार्ज ब्लॉट को किया, होल ब्लॉट नहीं बल्कि लार्ज हिस्सा, सपोज इसको मैं दूसरे तरह से दिखाऊं कि वो क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा को पूरा, ये लार्ज हिस्सा ब्लॉट का ले लिया, तो उसका स्कोरिंग क्या होगा, D। अब वो क्या करेगा कि छोटा पार्ट, अगर वो छोटा पार्ट लिया, केवल इतना ही पार्ट लिया इंक ब्लॉट का, उतना ही हिस्सा को वो बता रहा है, तो उसका स्कोरिंग होगा स्मॉल W। कोई उसमें का माइनर डिटेल बता रहा है कि नहीं ये इंक ब्लॉट ऐसे ऐसे गया है, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर एंगल, जो भी वो बता रहा है, तो ये माइनर डिटेल्स में आ गया, कोई माइनर। और कोई केवल वाइट स्पेस के बारे में बताए, ये वाइट स्पेस है इधर, ब्लॉट तो इतना ही दूर में है, कोई ब्लॉट के बाद का हिस्सा जो वाइट स्पेस है, तो उस कोई व्यक्ति अगर केवल वाइट स्पेस को बताया तो उसको हम स्कोर करेंगे, तो उसका स्कोरिंग में S लिखेंगे, स्मॉल S, ठीक है। तो ये हुआ इसका। उसके बाद आगे क्या हुआ, पहला लोकेशन में हमने ये चीज हुआ, फिर कंटेंट आ गया, दूसरा वो स्कोरिंग में लोकेशन हुआ, पहला लोकेशन, लोकेशन था उसमें उसने क्या क्या किया, W, D, स्मॉल W, स्मॉल D एंड स्मॉल S, ठीक है। अब लोकेशन हो गया ये स्कोरिंग इस तरफ से, ये कंटेंट। अब इसमें हम लोग इस ABCD कर सकते हैं कि इतने लोगों का किया गया, जो भी किया गया कंटेंट, कंटेंट में है कि सब्जेक्ट को इंक ब्लॉट में क्या दिखा। तो कॉमन सिंबल में हम देखेंगे क्या, ए को ह्यूमन बीइंग दिख गया इंक ब्लॉट में, उसको ह्यूमन बीइंग का फेस दिख रहा है तो उसको H लिख दिए। किसी को एनिमल दिखा तो वहाँ ए लिख दिए। किसी को ह्यूमन डिटेल्स दिख रहा है, किसी का हाथ, उंगली, पैर इस तरह का, तो HD। किसी को एनिमल का पैर दिख रहा है तो एनिमल डिटेल, AD। किसी को नेचुरल ऑब्जेक्ट दिख रहा है
ठीक है, तो नेचुरल ऑब्जेक्ट में जैसे किसी को पहाड़ दिख रहा है, किसी को माउंटेन, किसी को नदी दिख रहा है, तो इसको हम एन से डोनेट किए, और किसी को मैन मेड टेबल दिख रहा है, कुर्सी दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, वो इंक ब्लॉट है, शाही का डब्बा है, किसी भी फॉर्म में गिरा है, तो अब हर व्यक्ति को, किसी को ह्यूमन बींग दिखेगा, वो दिखेगा, उसमें लगेगा कि आदमी का चेहरा, बादल को इमेजिन करो कि बादल को देख के कभी आदमी का चेहरा दिखता है, कभी एनिमल फॉर्म दिखता है, कभी लगता है कि आदमी का हाथ निकला हुआ है, ह्यूमन डिटेल हो गया, कभी लगता है कि जानवर की पूंछ दिख रही है या पैर दिख रहे, तो वो क्या हो गया, एनिमल डिटेल, कभी नेचुरल ऑब्जेक्ट लग रहा है कि पहाड़ बन गया है या नदी है या इस तरह की चीज, तो ये नेचुरल ऑब्जेक्ट हो गया, या मैन मेड ऑब्जेक्ट में कुछ भी दिख सकता है कि रथ दिख रहा है तो गाड़ी दिख रहा है तो कुछ भी, तो ये ओ हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद अगला स्कोरिंग के लिए वो क्या करेगा, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी में क्या है कि कुछ रिस्पॉन्स को पॉपुलर, क्योंकि यहाँ पर होगा कि ओरिजिनलिटी में कुछ बहुत पॉपुलर, सब लोग वही बोल रहा है, तो उसको कॉमन अक्रेंस होगा, तो उसको हम पी से दिखाएंगे। सपोज ये भी पी बोला, ये भी पी बोला, और ये भी, तो और कुछ हुआ कि एकदम नया, कुछ इनफ्रिक्वेंट हो, जो कभी भी ऐसा नहीं आया, वैसा जवाब आ गया, तो उसको हम लोग ओरिजिनलिटी ऑफ रिस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो किसी का हो गया कि बहुत पॉपुलर, जो सब लोग को दिख रहा है, और कुछ लोग को एकदम नई चीज दिख रही है, तो उसका स्कोरिंग ओ से होगा। फिर अगला है डिटरमिनेंट्स। ये प्रोजेक्टिव टेस्ट करने के बाद जब स्कोरिंग होता है, तो डिटरमिनेंट्स में क्या है कि ये परसेप्शन क्या है, कौन सा एक्टिविटी है, किसी को कुछ लग रहा है कि नहीं, उसमें मूवमेंट हो रहा है, किसी को दिख रहा है किसी चीज का फॉर्म, किसी को लग रहा है कि गाड़ी जा रही है या कुछ भी जा रहा है, एनिमल जा रहा है। दूसरा में क्या है कि फॉर्म दिख रहा है, किसी चीज का रूप दिख रहा है, कि नहीं ये तो टेबल है, ये तो बॉल लग रहा है, ये तो घोड़ा दिख रहा है, कोई भी आकृति दिख रही है, तो ये या गोल दिख रहा है या चौकोर दिख रहा है, तो ये फॉर्म हो गया। तीसरे को कलर दिख रहा है, ठीक है, कोई कलर पर ही कॉन्सेंट्रेट कर गया, केवल लाल कलर ही दिख रहा है, केवल ब्लैक कलर ही है, या कलर पे कॉन्सेंट्रेट, और कोई उसके शेडिंग को बता रहा है कि नहीं इसका शेड डिटरमिनेंट, तो ये शेडिंग को पर जोर दे रहा है। तो इस तरह से हमने स्कोर कर लिया, ठीक है, सारे रिस्पोंडेंट का कि किसने क्या कहा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि अब इन अगर सब्जेक्ट, अब इनका पर्सनालिटी का असेसमेंट हो गया, इतना सारा जवाब देने के बाद उनके पर्सनालिटी का अब असेसमेंट होगा। ठीक है, ये सारा जवाब आ गया, अब इस जवाब के आधार पर पर्सनालिटी ए बी सी डी जो भी व्यक्ति हैं उनके पर्सनालिटी को बता सकते हैं। तो ए बी सी डी यहाँ पर क्या है, ये लोग सब्जेक्ट्स हैं, इन पर टेस्ट कराया गया, इनका असेसमेंट हो रहा है पर्सनालिटी का, ए का, बी का, सी का, डी का। तो अगर सब्जेक्ट जो है वो पूरा कार्ड को बता रहा है, उसका मतलब धब्बा वाला पोर्शन भी, वाइट पोर्शन भी, तो सारा कार्ड को लेकर वो चल रहा है, सारा कार्ड का डिटेल जब बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसमें क्या एबिलिटी है कि कोई भी समस्या को वो कॉम्प्रिहेंसिव रूप में, उसकी मेंटल एबिलिटी हाई दिख रही है, वो किसी भी समस्या का, समग्र समस्या का समाधान करने में कैपेबल है, उसमें एबिलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी क्या बता रही है, क्यों ही इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, मतलब वो पूरी समस्या का समाधान कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। दूसरा है, अगर कोई लार्ज डिटेल बता रहा है, लार्ज डिटेल बता रहा है जिसमें, तो वो क्या है, उसके जीवन के प्रति, उसका जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसके प्रति प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब वो बहुत परेशान नहीं हो, मान के चलता है कि ऐसा होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर कोई माइन्यूट डिटेल बता रहा है कि छोटी छोटी चीज़ को देख रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी पर्सनैलिटी में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब संवेगात्मक रूप से वो डिस्टर्ब्ड है, उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स है। अगर कोई बहुत सारे कलर को बता रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि एक इंडिविजुअल्स इम्पल्सिवनेस, मतलब वो किसी भी व्यवहार में इम्पल्सिव, मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो तुरंत रिएक्ट कर जाता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है, या तुरंत कोई चीज़ में भी तुरंत कर लेना, तुरंत खरीदने गए तुरंत खरीद लिए, जरूरत नहीं है तब भी, ये इस तरह का इम्पल्सिव बिहेवियर को सोच। प्रीडोमिनेंस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, अगर किसी को उस कार्ड में ह्यूमन मूवमेंट दिख रहा है,
तो वो बताता है कि उसका इमेजिनेशन बिल्कुल क्लीन है, उसकी कल्पना बिल्कुल क्लीन है। और अगर कोई एनिमल फिगर को बार बार बता रहा है, उसको कार्ड में बार बार एनिमल दिख रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि उसकी सोच एक ही टाइप की है, स्टीरियो टाइप की। उसका मतलब कि वो सोच में उसके बदलाव नहीं, वो एक ही टाइप का सोचता रहता है। तो ये पर्सनालिटी को इस तरह से हम असेस करते हैं उसके रिस्पॉन्स से, प्रोजेक्टिव टेक्निक में, इंक ब्लॉट टेस्ट में। अगला रिस्पॉन्स क्या है कि अगर रिस्पॉन्स उसका शेडेड पार्ट में है, वो केवल शेडेड पार्ट को ही देख रहा है और उसी को बता रहा है, तो इसका मतलब वो चिंतित व्यक्ति है, उसके अंदर चिंता है, एंजाइटी को शो करता है। तो इस तरह से इंक ब्लॉट टेस्ट की मदद से हम नॉर्मल और एबनॉर्मल पर्सनैलिटी को असिस्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। तो कैसे डायग्नोज हुआ? वो स्याही के धब्बों में क्या शेप दिखता है, क्या फिगर दिखता है, क्यों माइन्यूट डिटेल करता है, या पूरे फिगर को लेके चलता है, या केवल वाइट पोर्शन को देखता है, उस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी का असिसमेंट हो। So that is all about ink blot test. Next test है personality का, projective test next है thematic apperception test. इसमें क्या है कि इसे हम विषयगत धारणा परीक्षण भी कहते हैं। मतलब क्या है कि इसे अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, या विषयगत धारणा, ज्यादा आसान है, विषयगत धारणा परीक्षण। इसमें क्या होता है कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये 1930 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी ए मरे एंड क्रिस्टीना डी मॉर्गन, मुरे एंड मॉर्गन ने हार्वर्ड क्लिनिक जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया था। कब डेवलप हुआ था? 1930 में। किसने डेवलप किया था? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी ए मुरे एंड क्रिस्टीना डी मॉर्गन हार्वर्ड क्लिनिक में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। ये क्या था कि इसमें पर्सन का जो रिस्पॉन्स है वो उसके अंदर के मोटिव, अंडरलाइंग मोटिव्स, उसकी प्रेरणा, कंसर्न, और समाज को वो किस तरह से देखता है ये बताता है। उसकी स्टोरीज से जो भी उनको पिक्चर दिखाया जाता है, और उस पिक्चर को देखकर वो जो समाज के लिए जो स्टोरी बनाते हैं उससे उनकी भावना, समाज के प्रति भावना का पता चलता है। इस टेस्ट में इस पे ये 1935 में डेवलप हुआ था, ये तो पता है। और ये पर्सनालिटी की पिक्युलरिटीज को बताता है, विचित्रताओं को बताता है कुछ पिक्चर्स के आधार पर। इसमें बहुत सारे सीन्स और ब्लैंक कार्ड्स होते हैं, 32 पिक्चर्स कार्ड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सीन्स और ब्लैंक कार्ड होता है। टेस्ट में क्या होता है कि सम ऑफ द कार्ड्स में मेल फिगर्स होते हैं, सम में फीमेल होते हैं, और कुछ में मेल और फीमेल दोनों फिगर होते हैं, और कुछ एम्बिगुअस जेंडर होते हैं, सब कुछ एडल्ट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, और किसी में कोई ह्यूमन फिगर नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है कि आपको बच्चों को, जिसका भी पर्सनैलिटी को असेसमेंट करना है, उन्हें पिक्चर एक एक करके दिखाया जाता है, और एक कार्ड कम्प्लीटली ब्लैंक होता है जिसको कि उसमें स्टोरी और सीन दोनों को बनाना होता है। तो ये कार्ड क्या है कि सब्जेक्ट के एज और जेंडर के हिसाब से बनाए जाते हैं और उनको उस हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें एक मिनट, तो ये जो टेस्ट होता है ना, तो 32 कार्ड्स को क्या किया जाता है कि बच्चों को ये पिक्चर को एक एक करके सब्जेक्ट को दिखाया जाता है। कार्ड्स आर शोन वन बाय वन टू द सब्जेक्ट, कार्ड्स आर शोन वन बाय वन टू द सब्जेक्ट, ठीक है, और उनको इससे स्टोरी बनाना होता है। एंड
subject and subject has to make a story, एक कहानी बनानी होती है in a fixed time, एक नियत समय में, एक given time में उनको fixed time में एक story बनाना होता है. और ये उस उनको क्या है कि हर subject को बहुत सारे, अब जब वो story बनाते हैं ना तो अपने personality के बहुत सारे peculiarities को वो express कर देते हैं, project हो जाता है. जैसे उनका जो भी नेचुरल डिज़ायर होता है, जो इमोशंस होता है, जो सेंटिमेंट्स होता है, वो एक्सप्रेस हो जाता है. तो जो वो स्टोरी बनाते हैं उससे उनके आधार पर उनके पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाता है. क्योंकि वो कार्ड दिखाया गया उनको एक एक करके और उसके आधार पर उन्होंने जो स्टोरी बनाई एक फिक्स टाइम में, तो उससे क्या हुआ कि उनके अंदर का बहुत सारा नेचुरल डिज़ायर जो है वो उभर के बाहर आ जाता है और उन स्टोरीज के आधार पर उनके उनके पर्सनालिटी को असेस किया जाता है. लेकिन इस टेस्ट में भी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर स्कोरिंग जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाती है. तो ये क्या हुआ इसमें कि ये टीएटी में क्या हुआ कि कार्ड दिखाया गया 32 कार्ड, पिक्चर कार्ड, जिसमें कि मेल फीमेल और दोनों के मिक्स फिगर, फिर एम्बिगुअस जेंडर, कुछ एडल्ट इस तरह के, इस कुछ बच्चों के फिगर दिखाए जाते हैं और कुछ कार्ड में एक भी फिगर नहीं होता है. और उन्हें स्टोरी बनाने के लिए कहा जाता है कार्ड को देखकर, और एक फिक्स टाइम में जो वो स्टोरी बनाते हैं उससे उनके अंदर की भावनाएं आती हैं, उनके डिजायर्स, उनके मोटिव सब भर के आते हैं और उसके आधार पर उनके पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है. अगला है पिक्चर असेसमेंट अरेंजमेंट कार्ड. पिक्चर अरेंजमेंट कार्ड में क्या होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो कि सब्जेक्ट जो है जिसका टेस्ट पर्सनालिटी असेसमेंट करना है उसे वो पिक्चर दिया जाता है और उसमें बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, चेहरे के विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेशंस होते हैं, अभिव्यक्ति चेहरे के द्वारा, कहीं खुशी, कहीं पर फ्राउनिंग फेस, कहीं पर गुस्सा वाला, कहीं पर मस्ती वाला, ये सब तरह के फेस होते हैं. तो इसमें 25 सेट्स ऑफ 3 पिक्चर्स होते हैं और सब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो कार्ड को सीक्वेंस में रखकर एक स्टोरी बताएं और एक सेंटेंस उसके बारे में लिखें. तो टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया है, सिल्वान टॉमकिंस के द्वारा, जिन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ने का प्रैक्टिस किया था. कैसे, वो स्टोरी को वाचिंग ए रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टोरी बीइंग टोल्ड एंड नो साउंड, इसे कहते हैं. तो ये हुआ कि पिक्चर अरेंज करके उन्हें स्टोरी बनाना है और फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पर उन्हें स्टोरी कहना है. तो इसे पिक्चर, इससे भी सब्जेक्ट्स के पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है. फिर अगला है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एक टेक्निक है जो कि कार्ल जंग के द्वारा डेवलप किया गया था और इससे पर्सनल अनकॉन्शियस में जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको असिस्ट करने के लिए ये डेवलप किया गया था. जंग का कहना था कि उनका मानना था कि ग्रुप ऑफ थॉट और फीलिंग्स और मेमोरीज जो भी होता है वो एक सेंट्रल थीम के अराउंड होता है जिसे कि साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है. उनका कहना है कि एक्सिस्टेंस ऑफ ग्रुप ऑफ थॉट, बहुत सारे के सोच, फीलिंग्स, मेमोरीज और परसेप्शन एक सेंट्रल थीम के अराउंड हो जाते हैं जिसको कि साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है. तो ये डिस्कवरी क्या था, किससे रिलेटेड था, वर्ड एसोसिएशन में. एक टेक्निक है जहाँ पर कि सब्जेक्ट्स को, पेशेंट्स नहीं कहा जाए, यहाँ सब्जेक्ट्स को वर्ड्स दिए जाते थे और उन्हें दूसरा वर्ड बोलना होता था उससे रिलेटेड, या जो भी वर्ड हो उनके दिमाग में तुरंत आता था वो उन्हें बोलने के लिए कहा जाता था. तो इससे पेशेंट की मेंटल साइकी का पता चलता था और उनको क्लू दिया जाता था उनके साइकोलॉजिकल स्टडी के लिए. तो इसमें क्या होता था कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि रेस्पॉन्डेंट
को जो भी सब्जेक्ट है उनको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया जाता था, एक एक समय में एक वर्ड दिया जाता था और उनको कहा जाता था कि तुरंत जैसे भी वो वर्ड को सुने जो पहला वर्ड उनके दिमाग में आए उसे उन्हें बोलना होता था। तो ये वर्ड ऑफ इंटरेस्ट या कॉल टेस्ट वर्ड्स इसको कहा जाता था कि इस तरह से बोला जाता था कि वो तुरंत दूसरा वर्ड उनको बताए, तुरंत जो उनके दिमाग में पहला वर्ड आए उसे उन्हें बोलना था। तो उनके रिस्पॉन्स को किस तरह से एनालाइज किया जाता था कि वो द फ्रीक्वेंसी विथ विच एनी वर्ड इज गिवन एज रिस्पॉन्स, मतलब कोई भी वर्ड को वो सुनते कैसे तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं और कितना टाइम लेते हैं वो रिस्पॉन्स करने में, और नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स और कितने लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं एक टेस्ट में, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में कितने बच्चे तुरंत जवाब देते हैं, कितने बच्चे टाइम लेते हैं जवाब देने में, और कितने बच्चे बिल्कुल बच्चे नहीं कहा जाए कितने सब्जेक्ट बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि जो वर्ड उनके वो बोलते हैं उससे उनके पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है, रिलेटेड वर्ड जो भी वो बोलते जो भी उनके मन में तुरंत वर्ड आया। तो ये टेस्ट में सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं और वो सब्जेक्ट को टाइम नोटिस किया जाता है कि कितना प्रॉम्प्टली वो बोलते हैं और कितना डिले करते हैं, इस चीज़ के आधार पर वो जुंग ने ये पर्सनालिटी को इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट में बांटा। पर्सनालिटी का असेसमेंट इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी के रूप में, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट के रूप में उन्होंने उसको बांटा। इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो अंतर्मुखी होते हैं जो अपनी सोच में रहते हैं वो जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते, एक्सट्रोवर्ट तुरंत रिस्पॉन्ड करते, एम्बीवर्ट थोड़ा टाइम लगता है। तो ये पर्सनालिटी को असेस करने का एक तरीका हुआ जो कि वर्ड के रिस्पॉन्स से। अगला है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि ये सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक है, इसे हर्मन एबिंगहॉस ने क्रिएट किया था फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट 1897 में। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो है वो रेस्पोंडेंट को पहला सेंटेंस का पहला शुरुआत का सेंटेंस का दो तीन वर्ड दे दिया जाता है जिसे स्टेम्स कहा जाता है, जैसे आई एम हैप्पी व्हेन, तो इस तरह से दे दिया गया आई एम हैप्पी व्हेन, आई एम आगे भी मैंने उदाहरण दिया है हैप्पी व्हेन। अब क्या है कि इसको आपको कंप्लीट करना है, तो ये जो चीज़ है ना ये इसको हम स्टेम कहेंगे, ये दे दिया गया अब आपको कंप्लीट करना है। और रेस्पॉन्डेंट्स को कहा जाता है कि सेंटेंस को मीनिंगफुल रूप में कंप्लीट करें, इससे इस सेंटेंस को कंप्लीट करें ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में तैयार हो। तो रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है कि जो रिस्पॉन्स आता है उससे उनके एटीट्यूड्स का पता चलता है, बिलीफ्स का पता चलता है, मोटिवेशंस और मेंटल स्टेट का पता चलता है कि वो कब हैप्पी होते हैं। तो इससे उनके मतलब एटीट्यूड्स, अब मतलब हर बच्चा अलग, हर सब्जेक्ट अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, तो इससे उसके पर्सनैलिटी के आस्पेक्ट में उसके एटीट्यूड्स बिलीव्स मोटिवेशंस और मेंटल स्टेट को हम पता कर सकते हैं। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट टेक्निक जो है उसका वो क्या करता है, रेस्पॉन्डेंट को उसके जो फीलिंग जो छिपी हुई भावनाएं हैं वो उभर के आती हैं, कंसील्ड फीलिंग्स जो कि वो लिखने में एक्सप्रेस करते हैं। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो है ना वो जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के स्टेम्स को कंप्लीट करता है अपने शब्दों में। तो यहाँ सब्जेक्ट का जो रिस्पॉन्स होता है वो उनके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एटीट्यूड का पता बताता है, उनका कैसा एटीट्यूड है कॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में भी, पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स और मोटिवेशंस पता चलता है। तो इस तरह के सेंटेंस दिए जाते हैं, आई फील हैप्पी व्हेन, आई एम वरीड ओवर, तो इस पर जैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो उनके एटीट्यूड का पता चलता है, उनकी बिलीफ का, उनका पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है। कुछ लोग एकदम नेगेटिव होते हैं तो उनका हर लाइन नेगेटिविटी की ओर जाता है, तो उससे उनके पर्सनैलिटी का पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट पता चलता है। अगला है कार्टून टेस्ट। कार्टून टेस्ट में क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन टेक्निक, कार्टून टेस्ट में कार्टून कैरेक्टर दिखाए जाते हैं सब्जेक्ट को
स्पेसिफिक सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कार्टून कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और रेस्पोंडेंट को कहा जाता है कि क्या एक कार्टून कैरेक्टर को कमेंट करना चाहिए दूसरे कैरेक्टर के कमेंट पर। मतलब एक कैरेक्टर का कमेंट दिया है तो दूसरे कैरेक्टर को क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, ये पूछा जाता है। तो कार्टून टेस्ट क्या है कि इसमें जो रेस्पोंडेंट का जवाब आता है उससे उसके पर्सनालिटी का असेसमेंट हो जाता है। तो इसको कहा जाता है पिक्चर रेस्पॉन्स टेक्निक। तो कार्टून टेस्ट से भी पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाता है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है, ये हेल्पफुल है जब इश्यूज टू बी एड्रेस्ड आर पर्सनल सेंसिटिव और सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग सोशल नॉर्म्स। हेल्पफुल कब है, जबकि अंडरलाइंग मोटिवेशन बिलीव्स एटीट्यूड्स आर ऑपरेटिंग एट सबकॉन्शियस लेवल। तो इसमें इससे किसी के पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट का पता चलता है। हालांकि प्रोजेक्टिव टेक्निक को रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पूरी तरह से नहीं मिली है, नहीं रिलायबल और वैलिड माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, बट इट इज़ हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सो दैट्स ऑल about projective techniques. Thank you.